हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी और वेलकम करता हूँ आप सबको मेरे चैनल गांव का गार्डनर में। तो ये दो प्लांट आप देख सकते हैं, ये जो दो लास्ट में मैं नर्सरी से लाया था, पोट में था प्लांट। इसका रिपोर्टिंग कैसे करना है उसका वीडियो भी मैं डाला था। तो रिपोर्टिंग किए हुए लगभग 15 दिन हो गए, तो प्लांट का हेल्थ आप देख सकते हैं, नया नया ग्रोथ आना शुरू हुआ है। और अभी हम इसमें थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे और सभी प्लांटों में देंगे। तो ये हो सकता है सीजन का आखिरी लिक्विड फर्टिलाइज़र हो, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये वाला शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें भी देंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र हम कुछ मिलाए नहीं थे, लिक्विड फर्टिलाइज़र पहले इसमें हम देंगे। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखते रहिएगा बिना स्किप किए। और चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, आखिरी में मैं एक आपको एंड स्क्रीन में एक दे दूंगा प्लेलिस्ट, वहां से जाके आप गुलाब के बारे में डिटेल्स वीडियो आप मेरा देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है हमारा जो DAP और सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र, और जिसको मैं लगभग 4-5 दिन हो गया भिगो के इसे पानी में रखा था। तो आज इसे अच्छे से मिला लेंगे। हालांकि मैं DAP इस बार थोड़ा कम दिया हूँ और सरसों की खली भी थोड़ा सा कम लिया हूँ, क्योंकि जो मौसम है हमारा यहाँ पे ठंड बिल्कुल ही नहीं है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अचानक बढ़ गया, इसीलिए मैं थोड़ा सा पतला करके दूंगा, क्योंकि DAP जो है वो केमिकल है और सरसों की खली में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, तो इसीलिए हम पतला करके देंगे। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं कितने मात्रा में लेके इसको भिगोना कैसे है, तो आप मेरे वही रोज़ वाले जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, मैं डिटेल्स बताया हूँ। और देखिए, ये जो मग्गा हमारा है ये लगभग 1 लीटर का है, तो इसमें से थोड़ा 100 ml में कम लिया, और जो लगभग 8 या 9 लीटर पानी है उसमें मैं मिला लूँगा। देखिए कितना पतला हो गया, और इसको हम लगभग 500 ml करके हमारे प्लांट में डाल देंगे, अच्छे से मिलाएंगे, क्योंकि अगर मिलाते हैं अच्छे से तो पानी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, और पानी के अंदर अगर ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तो हमारा गुलाब के रूट को भी ऑक्सीजन मिलेगा। तो देखिए मैं कितना करके दे रहा हूँ, ये नया प्लांट है इसीलिए थोड़ा सा कम, और बाकी जो मेरा पुराना प्लांट है 1-2 साल उसमें थोड़ा थोड़ा ज़्यादा करके देंगे। और उसके बाद ये देखिए, ये जो दो प्लांट है इसका रिपोर्टिंग वीडियो भी मैं शेयर किया था आप लोगों के साथ। अभी इसमें कलियां आई हुए हैं और फूल खिलना जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो हो सके इस साल मैं इसमें से ज़्यादा फ्लावर नहीं ले पाऊँ, लेकिन अगले साल जाके प्लांट अगर हमारा हेल्दी रहा तो अगले साल हम इसमें से ज़्यादा फ्लावर ले सकते हैं, क्योंकि इस साल हमारा जो टारगेट होगा वो होगा रूट का ट्रीटमेंट। रूट अगर ठीक से बढ़ेगा, रूट अगर ग्रोथ ठीक से करेगा इस साल, तो अगले साल जाके हम ब्रांचों के ऊपर ध्यान देंगे। तो देखिए, सारे प्लांटों में मैं लगभग 500 ml करके वही लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दूँगा। अगर मौसम में बदलाव हुआ तो और एक बार हम दे सकते हैं, अगर नहीं हुआ तो आखिरी में सीजन का एंड में जब फरवरी ख़त्म होगा या फिर फरवरी के मिड में हम एक बार और एक फर्टिलाइज़र देंगे, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या हम देंगे। तो देखिए, सारे प्लांट में मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारे यहां पे गर्मियां बढ़ गई है तो इसीलिए मैं ये शाम को दे रहा हूँ, और सुबह में पॉट में पानी दे दिया था और मिट्टी गीला है, और हल्का हल्का ये वाला फर्टिलाइज़र मैं दे रहा हूँ। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखने के लिए, आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम देके इस वीडियो को आप देखिए, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और चैनल में अगर आप लोग नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, कोई ना कोई प्लांट ज़रूर लगाइए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।